नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने उज्जैन का कार्यभार संभालते ही जिले का आपराधिक ग्राफ 95% गिरा दिया है। नए वर्ष में भी इसी तरह की गुंडा बदमाश विरोधी कार्यवाहियां जारी रहेंगी। साथ ही महज 2 माह में पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने 7,800 अपराधों का निराकरण किया है। आपराधिक मामलों में जिनकी चार्जशीट न्यायालय में कोरोना महामारी के चलते प्रस्तुत नहीं हो सकी थी, उन्हें भी जिला सत्र न्यायाधीश से बातचीत कर समन्वय बिठाकर लगभग 8,000 मामले न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए हैं। पिछले वर्ष 15,312 अपराध दर्ज थे, जिनमें से पुलिस कप्तान शुक्ल के पदभार ग्रहण करने के उपरांत 4,000 मामले दर्ज हुए। वर्तमान में आज दिनांक तक कुल 683 अपराध ही पेंडिंग है, जो उज्जैन के इतिहास में पहली बार हुआ है। हमारे संवाददाता से आज विस्तृत चर्चा में पुलिस कप्तान उक्त जानकारी दी गई। वहीं एसपी शुक्ल ने यह भी बताया कि ये चमत्कार मोटिवेशन है, जो भी पुलिस कर्मी अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें जल्दी विभाग की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इस समय हम उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल के पास खड़े हुए हैं। अपराधों को अंकुश लगाने के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। हम उनसे चाहेंगे कि नव वर्ष में 2021 में क्या संकल्प रहेगा अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर। हमारा जो उज्जैन पुलिस का पूरा प्रयास रहेगा कि कोई भी असामाजिक तत्व और आपराधिक तत्व कोई भी किसी तरह की वारदात ना करें, शांति व्यवस्था कायम रखें, इसके लिए पूरी पुलिस कृत संकल्पित है। जो एंटी माफिया अभियान मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर चलाया जा रहा है वो आज से फिर प्रारंभ किया जा रहा है। उसमें हमारे टारगेट में वही आपराधिक तत्व रहेंगे जिनके द्वारा आपराधिक गतिविधियों से संपत्ति अर्जित की है, उनके वो कार्रवाई। और इसके अलावा जहाँ जहाँ भी सामाजिक अपराध, जुआ सट्टा शराब, इनकी शिकायतें हैं, उसमें हमारी लगातार कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। यह अभियान कब तक जारी रहेगा? नहीं, ये अभियान बिल्कुल लगातार चलता रहेगा और जब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी आपराधिक तत्व किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना करने पाए। सर, कहीं कहीं लगता है कि कुछ पुलिसकर्मी भी मिलिए भगत से भी कुछ असामाजिक तत्व के लोगों को बढ़ावा मिलता है, उस संदर्भ में क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? निश्चित तौर पर ऐसा जब भी संज्ञान में आया है, आपने देखा है, लगातार उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। हमारे अंदर अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। तो ये थे हमारे सामने उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल। उन्होंने 2021 में संकल्प लिया है कि जितने भी अपराध है अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कई प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। जो समाज से जुड़े हुए अपराध होते हैं उन पर भी अंकुश लगाने के लिए तैयारी उज्जैन पुलिस द्वारा की गई है और उनका भी जमीन मकान जो है और अवैध निर्माण है उनको भी जमींदोज करने में उज्जैन पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। भारत टाइम्स न्यूज़ के साथ में कैमरा पर्सन दीपक मालवी के साथ जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन।